बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीर पब्लिक मॉडल हाई स्कूल के प्लेटफार्म पर तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो था एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम के अंदर तबादला, जिसमें हमने निज़ाम दो से निज़ाम दस में तबादला देखा था और निज़ाम दस से निज़ाम दो के अंदर तबादला देखा था और समझा था। कुछ एग्जांपल्स हमने कोट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशारी निज़ाम से हेक्साडेसिमल निज़ाम के अंदर, यानी कि निज़ाम 10 से निज़ाम 16 के अंदर हमने अदद को कैसे तब्दील करना है। तो स्टूडेंट देखिए, वाइट बोर्ड के ऊपर एक एग्जांपल कोट की गई है। एग्जांपल है 69610। इसको जब मैं 16 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पर रिज़ल्ट आता है 4350। जो रिमेनिंग बचता है उसको मैं ए का नाम देता हूँ। फिर 4350 को जब मैं 16 पे डिवाइड करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास जो आता है वो आता है 271। और रिमेनिंग जो बचता है उसको मैं ई का नाम देता हूँ। फिर 271 को 16 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 16। और जो रिमेनिंग बचता है उसको मैं एफ़ का नाम देता हूँ। इसी तरीके से जब 16 को 16 पे डिवाइड करता हूँ तो 1 मेरे पास आता है और जो रिमेनिंग बचता है वो 0, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो चुकी है या 16 से कम हो गई है वैल्यू। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 69610 मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड हुई। उसके बाद मैंने इसका रिज़ल्ट लिखा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं 10FEA। अब जो FEA जो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक आए हैं, इनको हम ज़रा देखते हैं भी ये क्या चीज़ें हैं। जब हम निज़ाम 16 यानी हेक्साडेसिमल की या 16 निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर 0 से लेके 15 तक जो नंबर होते हैं उनके अंदर 10 से 15 तक ABCD यूज़ होती है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग ए था वो 10 इज इक्वल टू, ई जो था वो 14 के इक्वल था और जो एफ था वो 15 के इक्वल था। इसलिए इनकी जगह पर मैंने AEF लिखा, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर ABC अल्फ़ाबेटिक लिखे जाते हैं। तो मेरे पास 69610 बेस 10 इज इक्वल टू 10FEA बेस 16 रिज़ल्ट आया। और ये हमारा इशारी निज़ाम से हेक्साडेसिमल निज़ाम में तबादला था, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इशारी निज़ाम से सनाई निज़ाम में तबादला किया था। सिर्फ बेस का यहाँ पे फ़र्क है, वहाँ 2 थी और यहाँ पे 16 है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।